मंदसौर जिले के शामगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत खजूरी पंत गांव में हाई स्कूल के बच्चों ने शिक्षकों की कमी के चलते सड़क पर जाम कर शिक्षकों की पूर्ति करने की मांग की है। काफी देर सड़क पर बच्चों का हंगामा चलता रहा, वहीं वाहनों का आना जाना भी बंद रहा। पुलिस प्रशासन और नायब तहसील राकेश बर्डे भी मौके पर पहुंचे और बच्चों को समझाया, मगर बच्चे नहीं माने। विकास खंड शिक्षा अधिकारी भगवान सिंह चौहान पहुंचे और बच्चों की मांग सुनते हुए दो टीचर की अस्थायी रूप से नियुक्ति की गई। उसके बाद हाई स्कूल के छात्र छात्राओं द्वारा सड़क जाम को खत्म किया गया। एक टीचर का ट्रांसफर होने से गुस्साए बच्चों ने कहा, जब टीचर ही नहीं रहेंगे तो हमारा भविष्य अंधकार में चला जाएगा और हमारी पढ़ाई कहीं ना कहीं बाधित होगी। बच्चों की बात मानते हुए तुरंत अस्थायी नियुक्ति होने के बाद सड़क का चक्का जाम खोला गया। शामगढ़ से सुमित सिंह राठौड़ की रिपोर्ट। यहाँ एक शिक्षक का ट्रांसफर हुआ है, वो एक अतिशेष की व्यवस्था की वजह से है, क्योंकि एक विद्यालय में एक दो विषय के टीचर नहीं रह सकते हैं, तो उसकी वजह से ये इन्होंने हड़ताल की थी। परंतु हमने अभी टेम्परेरी व्यवस्था कर दी है, क्योंकि यहाँ अंग्रेजी विषय की आवश्यकता है। जब तक यहाँ स्थायी व्यवस्था नहीं होती है, तब तक ये जो टेम्परेरी व्यवस्था की ये टीचर पढ़ाएंगे, इनके पूरे पीरियड लगाएंगे। ये मैंने बच्चों के साथ इंश्योर किया है और ये व्यवस्था लगातार रहेगी। पढ़ाई आज से सुचारू रूप से चल रही है। आपका नाम और पद? मैं भगवान सिंह चौहान, विकासखंड शिक्षा अधिकारी गरोद। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।